हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में मैं आप सभी को एडजस्टमेंट करके बताऊंगा रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस की, कि अगर हमारे पास पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो इनकी एडजस्टमेंट्स आप कैसे करते हैं। उससे रिलेटेड मैं आप सभी को आज कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो कि आपके टीएस ग्रेवाल बुक से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन सभी के रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट की बात, तो अगर आप जो है बुक्स में दिखाना चाहते हैं आपके रिजर्व्स और लॉसेस, तो आप जो है इनको एंट्री पास करते हैं इनके लिए, ठीक है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास रिजर्व्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, उनके बैलेंसेस पड़े हुए हैं, और आप चाहते हैं कि ये बुक से आपके पास ख़त्म हो जाएं, आप उनको हटाना चाहते हैं, ठीक है। आप जो है रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं, रिटर्न ऑफ रिजर्व्स एंड PNL, ठीक है। PNL का अगर आप लॉसेस वगैरह इन सबको क्या करना चाहते हैं, रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, अब जब रिजर्व्स पार्टनर्स को मिलेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो आप जो है जब रिजर्व्स देंगे तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपके पास अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स को आप जो है इसमें क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी किसके अंदर बच्चे, ओल्ड रेशियो के अंदर। किसमें, ओल्ड रेशियो में हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट, वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपके पास लॉस दिया होता तो लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, वहाँ पर डेबिट हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और आपका लॉस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको लॉस दिया है तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर ये एंट्री भी क्या होगी, ओल्ड रेशियो में ही की जाएगी, ओल्ड रेशियो में ही ये एंट्री भी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर आप उनको शो करना चाहते हैं बुक्स में, ठीक है, और वहाँ पर आपके पास उसके लिए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स हैं दोस्तों आपके, आप उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, कैप लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, जगह नहीं बची है मेरे पास, ठीक है। तो ये आप जो है SR में करेंगे या गेन में करेंगे, GR में, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको इस तरीके से पास करनी है, और अगर नॉर्मल है आपके पास तो ऊपर वाला तरीका अपनाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी देखिए, XY दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस ये है, और यहाँ पर इन्होंने नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वली। ऑन द डेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज का प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट वहाँ शो हो रहा है 1.5 लाख रुपये का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बिफोर द चेंज ऑफ पार्टनरशिप चीज, इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज होने से पहले। तो आप इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में इस पार्टनर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि प्रॉफिट है, और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी क्योंकि उन्हें मिल रहा है। तो आप यहां पर एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, दोनों की कैपिटल को आपको ये क्रेडिट कर देंगे क्योंकि दोनों को आपको मिल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 3/5 और 2/5 में डिवाइड करेंगे तो 90,000 और 60,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल था कि नहीं था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके पास XYZ तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो दिया हुआ है, इन्होंने चेंज कर दिया अपना रेशियो इस रेशियो में, विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2000 इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ पासिंग द सिंगल एंट्री। क्या बोला हुआ है
कि आपको रिकॉर्ड करना है केवल इफेक्ट को, कि इससे इफेक्ट क्या होगा, एक एंट्री सिंगल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर आपको इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं करना, इसको आपको एडजस्टमेंट एंट्री में पास करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको गेनिंग या सेक्रीफाइजिंग रेशियो चाहिए, फिर इसके बाद आप जो है इसको सेक्रीफाइजिंग अमाउंट या जो गेनिंग अमाउंट आएगा उसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टमेंट अमाउंट। और एडजस्टमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए आपके पास रिजर्व्स दिए हुए हैं तो रिजर्व्स तो प्लस होते हैं, आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया तो ये भी फायदा है, तो 24,000 आप ऐड कर देंगे। बट आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है, इट इज़ अ फिक्टिटियस एसेट्स, ये आपके पास क्या होती है, फिक्टिटियस एसेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं ये आपके पास, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12,000 रुपीज़ को, तो आपके पास ये 18,000 आ जाएगा। तो आपको 18,000 की एंट्री करनी है आपको गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बेस पर। तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं, तो SR इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास XYZ तीन पार्टनर हैं, ठीक है, तो XYZ तीन पार्टनर दिए हुए हैं, X, Y और Z। ओल्ड रेशियो है आपके पास 5:10, 3:10 और 3:10 और 2:10, और न्यू रेशियो है आपके पास 2:10, 3:10, उल्टा दे दिया पूरा इसका, ठीक है, और 5:10। LCM निकालेंगे 10 आएगा, 5 - 2 = 3:10, और इसका LCM निकालेंगे तो 10, 3 - 3, ठीक है, 0:10 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे आप तो 10 और 2 - 5 = 3:10। तो एक 3:10 से इक्वली आपके पास आ रहा है गेनिंग और एक आ रहा है आपके पास सेक्रीफाइजिंग। तो 3:10 आप जब आप इसका कर देंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा, 18,000 था, 18,000 को 10 से डिवाइड इंटू 3 कर देंगे तो 54 से एंट्री हो जाएगी। ये हो गया आपके पास गेनिंग, तो जेट्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल, और अमाउंट आएगा कितना बच्चे, 5,400 इसमें और 5,400 इसमें। तो ये फैक्ट एंट्री हमने पास कर दी, आप अपनी बुक में मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है, बिल्कुल 5,400 से एंट्री हो रही है, मैच कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, XYZ दोबारा पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है इनका वही सेम, और इस बार वर्कमैन कंपनसेशन है बच्चे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री भी आपको करना पता चल जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द 1,20,000 इन बैलेंस शीट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इतने का आया, पास द जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, आपके पास WCR पड़ा है 1,20,000 का, बट उसका क्लेम मीन्स लायबिलिटी आपके पास 1,50,000 की आई है, तो इसका मतलब 30,000 यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हुई है। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो आप ना एक रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ती या घटती है। रिवैल्यूशन अकाउंट मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि रिवैल्यूशन अकाउंट एक तरीका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर का ही होता है। यहाँ पर अगर एसेट बढ़ती है आपके पास तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होता है वहाँ पर, और जब आपके पास एसेट्स कम होती है तो लॉस होता है, यानी कि डेबिट होता है। इसी तरीके से लायबिलिटी कम हो रही है तो आपके पास रिवैल्यूशन अकाउंट क्या होगा बच्चे, बताइए, लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो रिवैल्यूशन अकाउंट में लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही हैं तो वहाँ पर वो डेबिट हो जाए, और आपके पास लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास जो रिजर्व्स था उसको आप लिखेंगे, तो क्लेम दिया हुआ है आपके पास कितने का, 1,50,000 रुपए का, तो आप लिखेंगे WCR था आपके पास, WCR अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए का, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 से, और आपके पास क्लेम ऑफ WCR आ गया कितने का बच्चे, 1,50,000 रुपए का, और लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और जब रिजर्व्स कम होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। तो देखिए डेबिट किया और रिवैल्यूएशन में लॉस आया, इसलिए वो डेबिट हो गया है। क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा ये एंट्री कैसे पास करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। A and BC पार्टनर है, रेशियो ये दिया हुआ है, नया रेशियो चेंज कर लिया है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दिस एंड बुक वैल्यू दिस। तो बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए की है और आपके पास अब मार्केट वैल्यू 95,000 की हो चुकी है, इसका मतलब 5,000 से मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है
तो उस रिजर्व में से उसकी भरपाई की जाएगी। तो रिजर्व में आपके पास 20,000 रुपये बचे हुए हैं, तो जो 5,000 रुपये मार्केट वैल्यू कम हुई है, 5,000 रुपये की भरपाई आप रिजर्व से कर लेंगे। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को IFR लिखूंगा शॉर्ट में, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। आप ये इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा बाकी 5,000 रुपये, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है। टू आपके पास ये चला जाएगा आपके जो भी वैल्यू दी हुई है 20,000 रुपये का, वो 15,000 रुपये पार्टनर्स में पट जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओल्ड कैपिटल अकाउंट में बटेगा, ओल्ड कैपिटल में, ठीक है, ओल्ड शेयर में एज कैपिटल, बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, ठीक है। दोस्तों मैंने एक साथ ही एंट्री कर दी, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। IFR था 20,000 रुपये का और 5,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, 15 बचा। 15 को हम 5, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 10 1500 × 5 7500 4500 और 3000, ठीक है, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 15 15, ठीक है, 15,000 को आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, और फिर इसका आ जाएगा ये पूरा वैल्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने एक साथ करी हुई, आंसर में अलग अलग दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए IFR के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। पहला केस क्या है, आपके पास फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी है और ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ है, पहले इक्वली था, अब उन्होंने ये रेशियो डिसाइड किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, जब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो ना ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई कम हुई है, उतने की उतनी है, तो आपके पास जो भी रिजर्व पूरा पड़ा हुआ है उस पूरे रिजर्व को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो केस वन में आपके पास जो एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व कम होते हैं तो डेबिट। टू नितिन है तो मैं एंस कैपिटल लिख रहा हूँ उसके लिए, तो एंस कैपिटल, और टू टीज कैपिटल तरुण के लिए टी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और टू अमर के लिए एज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास एंट्री हो जाएगी कितना, 60,000 रुपये का रिजर्व है, इक्वली उनका ओल्ड रेशियो था, तो ओल्ड रेशियो में इक्वली इक्वली 20,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज़ 4 लाख, अगर देखें तो कॉस्ट भी 4 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो आपके पास दोबारा कोई IFR का यूज़ नहीं हुआ। तो सेकंड केस में भी आप जो है सेम एंट्री करेंगे, मैं एंट्री कर नहीं रहा हूँ, लिख देता हूँ, टाइम बचेगा आपका भी वीडियो देखने का और मेरा भी, ठीक है, सेम एज पार्ट वन, ठीक है, तो पार्ट वन की तरह ही सेम एंट्री हो जाएगी। केस नंबर 3 देखिए, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस बार बढ़ गई, क्या रिजर्व का यूज़ हुआ, नहीं, क्योंकि रिजर्व का यूज़ जब होता है जब वैल्यू कम होती है, तो रिजर्व का यूज़ यहाँ पर भी नहीं हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो 24,000 से बस आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास कम हो गई है, वो बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होती है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कितने से, 24,000 से बच्चे, 24,000 यहाँ पर, 24,000 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर जो चार रिजर्व पूरा पड़ा हुआ था 60,000 का, वो पूरी एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सेम एज पार्ट वन, सेम एज पार्ट वन की तरह आप दोबारा से एंट्री कर देंगे अगेन, ठीक है। तो पार्ट 3 में चलते हैं, और पार्ट 4 में चलते हैं, 3 तो हो गया, अभी करा है। 4 है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000 रुपये, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है, तो रिजर्व में से 30,000 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास IFR है, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास कम हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन में जाएगा वो आपके पास, ठीक है। तो पहले मैं इसको ना कम करके दिखा देता हूँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा इस बार, क्योंकि लॉस है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपये की है, आपके पास 30,000 से कम हो रही है, तो 30,000 आपने इसको यहाँ पर दिखा दिया, और बचा हुआ 30,000 का IFR आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बचा हुआ IFR कितना था, IFR 30,000 का बचेगा, आप 60 में से 30 यूज़ हो चुका है, तो टू एन कैपिटल कैप लिख रहा हूँ खाली, टू टीज कैप और टू एज कैप, ठीक है, क्लियर है। अब 30,000 को आप इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपके पास 10,000 इसको, 10,000 इसको और 10,000 इसको आ जाएगा,
मैच कर लें क्या? मैच करने की ज़रूरत है, देख लेते हैं एक बार, है ना, अपने पास जो बुक है उसमें से। बिल्कुल इक्वली इक्वली हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, IFR यहाँ पर बट गया। अब देखिए जो 30,000 रुपये का है, आप यहाँ पर ये 24,000 को प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पर रिवैल्यूएशन में, इसको बांटने की भी एंट्री कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से बनवाऊंगा तब करवाऊंगा। और यहाँ पर आपके पास जो लॉस हुआ है इसको भी बांटने की आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। अरे भाई यहाँ तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। क्या आपके पास IFR है कितने का? 60 का, बट आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई? आपके पास कम हुई 90,000 से। तो देखिए क्या करना है आपको। ओ सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा है, तो मैं एक न्यू पेज इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास IFR में केवल 10,000 पड़े हुए हैं और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 60,000 से, तो 90,000 से, तो इन्वेस्टमेंट जो है क्रेडिट हो जाएगा आपका 60,000 से 90,000 से, क्योंकि 90,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। और IFR आपके पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि IFR का हम यूज़ करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट 60,000 से। और जो 30,000 है वो मैं आपको लेके जाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस 30,000 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में, और लॉस को, तो आपके पास लॉस होगा तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, सबकी कम हो जाएंगी, और टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसके बाद एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का मैंने बांट के दिखा दिया है आपको कैसे बांटना होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर 10,000 सब में बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वली था, तो 10,000 रुपये हमने सब में बांट दिया, 30,000 रुपये का लॉस आपके पास आया था। तो आपके पास वो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। XYZ आपके पास पार्टनर्स दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है ये, और इसके बाद बैलेंस शीट में शो हो रहा है जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का। इट हैज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे स्पेयर द प्रॉफिट, इनका शेयर प्रॉफिट रेशियो फ्यूचर के लिए ये है। पास द जनरल एंट्री इन ईच टू केसेस व्हेन आपके पास जनरल रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, जब आपको बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना है, एंड जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो जब आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना, तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व कम होगा, डेबिट हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आपके पास, और टू आपके पास इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और आपके पास वाई की भी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 का, 60,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60,000 यहाँ और 40,000 यहाँ और 20,000 यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड केस करते हैं, तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड केस में आपको शो नहीं करना है, ठीक है, टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, तो जब आपको नॉट शोन करना है तो दिखा देना है, और शो करना है तो आपको इसकी नेट इफेक्ट एंट्री पास करनी है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो सबसे पहले आप SR निकालेंगे, SR होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपके पास एक्स और वाई, इनका ओल्ड रेशियो है 2:3 और 1:3, न्यू रेशियो है 3:5 और 2:5, ठीक है, तो 5 इसका 15 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है, तो 10 माइनस 3:3 इक्वल्स टू 9, तो 1:15 ये आ गया, और इसका आप टोटल करेंगे तो दोबारा अगेन 15 LCM, ठीक है, क्योंकि 3 है ना ये हमारे पास, तो 5 ये और 6 ये, तो 1:15 ये इसका नेगेटिव में। तो यहाँ पर Y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, तो Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपके पास क्रेडिट हो जाएगा X की कैपिटल, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको गुडविल वाले में भी कराया था, किसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, किसकी कैपिटल कब डेबिट होती है, तो 1:15 कर दीजिए किसका, 60,000 का, तो 60,000 का 1:15 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, 4,000 से ये डेबिट और 4,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपने हमारे पास अगर क्वेश्चंस हो नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारे पास लगभग हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, टॉप क्लासेस ऐप पर आप सभी को इसी तरीके के पूरे प्रीमियम कोर्सेज मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपकी अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूँ, तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें।
उसके बाद आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा, जिसके बाद मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सभी से कहूँगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।